जिनका नाम है राम खिलाड़ी यादव और जिनका चुनाव चिन्ह है साइकिल। तो मेरा कहना ये है क्या कि आपको साइकिल वाला बटन दबाना है और गिन्नौर से राम खिलाड़ी यादव को विजय बनाना है। घोसली राजा ले काम देखो कहिए के मर दो ध्यान बिसर न हरे जाए। अरे पिता कुमार सेना इनके कहिए के मर दो सुनियो ले ध्यान लगाए। चंद्रपति है भैया सुन लियो अर्ज हमारे। दोस्तों कुमार सेन और मां का नाम चंद्रवती देवी, इनके बेटा राम खिलाड़ी यादव गांव घोसली राजा, और दोस्तों ऐसा ही नहीं है तो जब 1996 में इलेक्शन लड़े हैं तो मनोज भैया हुआ क्या? अरे अच्छे अच्छे कसूर पछाड़े के फिर एमएलए जी बने ही आए। और वे तो बार रहे रे एमएलए के भैया ध्यान बिसर ना रहे।
कुआं भैया तुम दयो जिताए। राम खिलाड़ी जब जीत के जावे तो बन जाएगी सापा के सरकार। भैया हाथी बारे पंजा बारे की दल दल में दाढ़ी अब जीतेंगे राम खिलाड़ी जा अब जीतेंगे राम खिलाड़ी। ए भैया पंजा बारे की दल दल में गाड़ी रे अब के जीतेंगे राम खिलाड़ी माननीय राम खिलाड़ी यादव जी को साइकिल का बटन दबाना है और इनको लखनऊ पहुंचाना है। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक चर्चा आपको बता रहा हूं कि माननीय राम खिलाड़ी यादव ने मुलायम सिंह यादव जी से जाकर के कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता के सामने कुछ समस्या है और कौन से काम करवाए। काम तो बहुत थे दोस्तों, लेकिन एक बहुत ही संक्षेप में आपके आपको बता रहा हूं और गौर देंगे। अरे उत्तर प्रदेश में मेरे भैया का बन गई सापा कीरे सरकार। पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो अरे क्षेत्र के किसान ले पहुंचे भैया राम खिलाड़ी ते कहिए सुनाए। क्षेत्र के किसान बबराले आकर के राम खिलाड़ी
विधायकी से कहने लगे कि माननीय विधायक जी, हम देखते हो हमारे क्षेत्र में गन्ना कितना होता है, लेकिन कोई मिल नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है माननीय विधायक जी। तो राम खिलाड़ी विधायक जी ने कहा, करे भैया जा रहा हूं लखनऊ, नेताजी से बात करूंगा। तो होने क्या लगा, होने क्या लगा। अरे समस्या जितनिया थी रे किसानन की, सवा मुलायम जी को दंगे सुनाए, सुगर मिल देखो जो पूरा लग गो, किसान ले बोले जे जे सुगर मिल राम खिलाड़ी यादव के प्रयासों से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने खुलवाया। और क्या होने लगा, जुनामई में खुलवाई और कन्या इंटर कॉलेज मेरा भैया घोसली में देख दिए खुलवाए, रोड पे जो बस स्टैंड बनवाए दो, खिलाड़ी यादव ने जब एमएलए नहीं थे तो इतने काम कराए, और जब एमएलए बन जाएंगे तो भैया आपके क्षेत्र में विकास की गंगा ही बह जाएगी। अरे गली गली सीमेंट कराए दई भैया, सुन लियो अरज हमार, 24 घंटा ले बिजली मिलती थी, घंटा बिजली मिलती थी, घर में दमक दम
मक्की रह जाए। हरेक गांव में प्राइमरी स्कूल और जूनियर दयो बनवाए। किन्नौर क्षेत्र के बच्चा भैया ये तो रोज पढ़ना जाए। गली चौराहे और तिराहे पे सुंदर नलजी तो देख कमाए। बड़े बड़े काम करे ही नेता ने के मुंह पे तेतरे कहीं नहीं जाए। नेताजी से कहकर के गिन्नौर क्षेत्र में कितना विकास करवाया है माननीय राम खिलाड़ी यादव ने, और एक चर्चा आपको सुना रहा हूं। गिन्नौर क्षेत्र में मनोज भैया बाढ़ आ गई थी। अच्छा। और सब जानते हैं, लेकिन होने क्या लगा था गौर देंगे मेरी बात पर। चर्चा बाढ़ की और तुमको यार सुनाई रहे, कब बाद टूट गया गंगा को जब लोग सभी घबराए रहे। Me.